हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका चैनल हेलो फार्मासिस्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, आप सभी लोग के बहुत से कमेंट्स आए थे, दीदी कम्युनिटी फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए। हालांकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आपको ये पेपर पेन वाला चाहिए, मेरा लिखा हुआ ना, तभी तो आपको एकदम विश्वास हो पाएगा कि हाँ दीदी ने बताया है, दीदी ने लिखा है, तो जरूर ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओनली 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपको एग्जाम में पास कराने की पूरी ताकत रखता है, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो एक फार्मासिस्ट को इसके बारे में पता ही होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार 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 आते हैं। तो ये मैं क्वेश्चंस आपको ऐसे ही नहीं बताती हूँ, ये सभी क्वेश्चंस पहले तो मैं बुक से देखती हूँ, और फिर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपका सिलेबस जो मैंने रखा हुआ है ना, आपको तो पता ही होगा कि मैंने सिलेबस आप लोग का प्रिंट आउट करवा के रखा, उससे मैच करती हूँ, और फिर जाके ये प्रूफ होता है कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं और सिलेबस में, और इम्पोर्टेंट रिपीटेड तो हैं ही। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी दीदी की हेल्प नहीं करोगे तो कोई नहीं आने वाला है आपकी दीदी की हेल्प करने, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, अब तो हेल्प करना स्टार्ट कर दो भाई। इसीलिए देखिए मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया आप लोगों के लिए, हेलो फार्मासिस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिटी फार्मेसी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी राइट डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि फार्मेसी कम्युनिटी की हिस्ट्री क्या है। आपको ये सभी 15 क्वेश्चंस इतने अच्छे से रट के जाना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको एकदम कहानी जैसा लगे, लिखते चले जाना। इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं है, क्लासिफिकेशंस नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही इजी, कोई कठिन क्लासिफिकेशन नहीं है कि दवाइयों के नाम अगड़म बगड़म से लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोफेशन क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की ड्यूटी रहती है तो उसकी कम्युनिटी फार्मासिस्ट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्या पता आप भी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको तो इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि कोई बताता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही है और हमें पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर लिखा हुआ है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस GPP, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अब आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज मेरा स्टैंडर्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये मैंने सुबह उठते ही, आज मैंने सबसे पहला शुभारंभ काम आप लोगों के लिए ही किया है, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स बहुत आ रहे थे और क्वेश्चंस, मतलब कमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे थे, तो धीरे धीरे मैंने सोचा अभी से तुरंत वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, तभी सभी स्टूडेंट्स के कमेंट का रिप्लाई हो पाएगा और आप सभी लोग को वैसे ही वीडियोस मिल पाएंगी। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए, और कहीं नहीं पूछा गया है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, इसी सब्जेक्ट में पूछा गया है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन इट्स पार्ट क्या है और उनके हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना पड़े, स्ट्रक्चर बना दो, RX लिख दो, और कहाँ कहाँ पे क्या लिखा जाता है ये भी मैं दिखा दूंगी अगर आप बोलोगे तो, शायद आई थिंक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेशेंट काउंसिल, पेशेंट की कैसी काउंसिल की जाती है, और बहुत ही बैड राइटिंग है भाई आज, इसका PDF भी मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। और सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एड्स एंड HIV, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज हैं, बीमारियाँ हैं, जो कि बहुत से सब्जेक्ट्स में कवर की गई हैं, तो इन सभी डिजीज बीमारियों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। HIV एड्स जरूर आएगा, अस्थमा भी बहुत से सब्जेक्ट्स में कवर किया होगा आप लोग ने, हाइपरटेंशन भी बहुत से सब्जेक्ट में कवर किया होगा, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया भी है, अगर आपने वहाँ पर लर्न किया है तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हो,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक वीडियो मैंने बना रखी है कि आपको किस तरह, अगर आपने दूसरी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लर्न किया है तो इस सब्जेक्ट में लिख सकते हो, उसको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। इस टॉपिक पे मैंने बहुत ही अच्छे से बात करी है आप सभी लोगों के क्वेश्चंस की। और ये डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है और बहुत से सब्जेक्ट को कवर किया है इस टॉपिक ने, तो आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, OTC मेडिसिन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रियल में एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है लिख लिख के मेरे भाई, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ बहुत कठिन काम कर रहे हो अगर लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे रहोगे। 8 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, मेथड क्या है, कैसे आप अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप अपनी दवाइयों को अरेंज कर सकते हो, ABC एनालिसिस में यही है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है इस टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो कमेंट नाउ, और इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है कि ABC कैसे आपको कंट्रोल करना है। बस अगर कमी है तो आपके देखने के, आज आज आपको इस दुनिया में किसी भी सोर्सेस की कमी नहीं है पढ़ाई में, तो अगर आप में कमी है तो भाई पढ़ो लो भाई, इतना टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। मिनिमम अगर आप एक एक सब्जेक्ट भी कवर करोगे ना, तब भी आपका टाइम बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि अब तो पढ़ना ही स्टार्ट कर दो, पेपर आएगा और चला जाएगा एक हवा की झोंके की तरह, लेकिन आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई रहेगी। इस वजह से तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पहले से प्लान करना। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले से प्लान कर लेते हो तो वो काम बहुत इजी हो जाता है। चाहे आप कोई भी अपना दिन का कोई भी टारगेट देखना या कोई भी वर्क करना जो आपका फेवरेट होगा, तो इसलिए प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कर लीजिए और कंप्लीट करिए अपना पूरा फार्मेसी, और आप भी एक फार्मासिस्ट बन जाओ, क्योंकि अभी इस समय बेरोजगारी का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड ही मान लो, है ना। आप देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसके बारे में बताना है, कम्युनिकेशन डिटेल में देना है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेशेंट पैकेजिंग और इंसर्ट क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और सेल्फ मेडिकेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना अच्छी तरीके से। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, गाइडलाइन क्या होती है, टू सेट अप कम्युनिटी फार्मेसी की लेजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और आजकल तो ऑनलाइन फार्मेसी चल गई है, सभी को पता है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा ये पॉइंट, ठीक है, ऑनलाइन फार्मेसी क्या होती है। एक फार्मासिस्ट को तो इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, कुछ जानने के उससे, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और चीज़ें समझ में आएंगी, याद करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे बुक और कैश बुक क्या होती है, अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है अपना शॉप का, तो उसकी डे बुक और कैश बुक क्या हो बनाओगे, कैसे अपना मतलब बिजनेस का जो पैसे आ जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करोगे, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है। तो आपको अपनी फार्मेसी को कैसे, कम्युनिटी फार्मेसी को कैसे बिजनेस को मैनेजमेंट करना है, पहले इस सब्जेक्ट का DSBM था, मतलब कि ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, अब कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट कर दिया गया है, तो इसमें सब कुछ आपको सिखाया जाता है, सब कुछ आपको ये बुक बताती है आपकी पढ़ाई, क्योंकि आप कहीं और से तो सीखने नहीं जाओगे, और जो बुक आपको बातें बताएंगी वो कोई और बताएगा भी नहीं, इस वजह से आपको बहुत ही अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, बस बिना टेंशन लियो, क्योंकि सब समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, कि कैसे डिस्पेंसिंग फार्मेसी में कोई भी एरर हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है डिस्पेंसिंग एरर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इतनी सी सुबह सुबह की कहानी, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आपका कोई प्यारा दोस्त हो तो उसके लिए थोड़ी सी आप हिम्मत कर लीजिएगा।
मेहनत कर लीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों के कमेंट का भी रिप्लाई मिल गया होगा। अगर कोई भी कमेंट कन्फ्यूजन है कमेंट नाउ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट नाउ। बाय बाय गाइस। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हेलो एवरीवन, वेलकम, सब्सक्राइब।